अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नायाब और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नायाब ब्यूटी टिप्स। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं एक और बहुत ही ज़बरदस्त सा रिव्यू। तो आज हम आपके साथ रिव्यू में शेयर करेंगे टमाटो का जेल। इसका रिव्यू मैं आज आपके साथ करना चाहूँगी। टमाटो के बहुत सारे फ़ायदे भी बताऊँगी, रेमेडी भी सिखाऊँगी। तो और क्या चाहिए यार, इस वीडियो में सब कुछ तो मिल रहा है आपको, इसलिए एंड तक लाजमी देखिएगा और लाइक करने में कोई कंजूसी मत कीजिएगा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये टमाटो जेल जो है वो स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियंट है। आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है और स्मूथ करता है, एज अ मॉइस्चराइजर भी वर्क करेगा। जिनको चाइयाँ हैं या स्किन पे दाग धब्बे हैं, और 99% ये देखें जो है वो टमाटो जेल है। और जिस तरह से एलोवेरा जेल होता है, इसी तरह से ये टमाटो जेल है आपकी स्किन को प्रोटेक्टेड करेगा। और जितने भी हमारी स्किन पर सन टैन होता है, ये देखें आप इसका कलर चेक करें, सन टैन रिमूव करेगा, डार्क स्पॉट्स रिमूव करेगा, एक्नी स्पॉट्स रिमूव करेगा। और जिनको एक्नी का बहुत ज़्यादा इश्यू है उनके लिए बहुत अच्छा है। डल स्किन को जो है वो दोबारा से रिपेयर करेगा और आपकी स्किन को ब्राइट एंड लुक देगा। इस जेल को आप लेकर इस तरह से मसाज भी कर सकते हैं और अपनी स्किन पे डेली मसाज करेंगे तो आपकी स्किन बहुत क्लीन एंड क्लियर लगेगी और आपकी स्किन डैमेज होने से भी बचेगी। मज़ीद आप अगर जानना चाहते हैं कि ये मैंने कहाँ से परचेज़ किया और कितने का लिया, तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। जिनको इंटरेस्ट होगा लेने में, मैं उनको बता दूँगी। और अगर आप मतलब ये नहीं परचेज़ करना चाहते हो, आप घर में भी टमाटो जेल की जगह आप इसकी जगह टमाटर का रस भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हर टाइम बंदे के पास टाइम नहीं होता टमाटर का रस निकालने का। तो इसलिए जो है आप मैंने जो है टाइम सेविंग के लिए यहाँ पर जेल यूज़ करूँगी रेमेडी में। रेमेडी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, वो भी आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैं यहाँ पर लूँगी एक बॉल और इसमें हम थोड़ा सा डाल लेंगे अपना टमाटर जेल। आप इसकी जगह टमाटर का रस भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एक बड़ा चम्मच जो है वो चाहिए होगा टमाटो जेल। आप चाहे तो दो चम्मच मिला लें, आप जितनी क्वान्टिटी में बनाना चाहते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि ये क्रीम की शक्ल में आ जाए। तो जब तक मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, आप मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव और इफेक्टिव वीडियोस के लिए, ताकि मैं आपके साथ इस तरह की मज़ीद वीडियोस शेयर करती रहूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे पहले मैं वराइज जेल के हवाले से भी रिव्यू दे चुकी हूँ और रेमेडीज़ भी बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अच्छा, तो मैंने यहाँ पर इस जेल को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया टमाटर जेल को। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ चावल का आटा। आप खुद भी चावल का आटा घर पर भी बना सकते हैं, लेकिन मार्केट से लेंगे तो ज़रा फाइन पाउडर में आपको मिल जाएगा, तो बेहतर है कि आप वो वाला यूज़ कर लें। और यहाँ पर मैं चावल का आटा यूज़ करूँगी तकरीबन एक छोटा चम्मच, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं इसको जैसे जैसे मिक्स कर रही हूँ, तो हमारी ये ज़बरदस्त सी एक्सफोलिएटिंग हाइड्रेटिंग और जो है वो स्क्रब रेडी है। आप अपनी स्किन पर, फेस पे, हर जगह पे, बॉडी के किसी भी पार्ट पे आप इसको फुल बॉडी स्क्रब कर सकते हैं। ये स्क्रब बहुत ही ज़बरदस्त होगा, इससे आपकी स्किन इतनी ब्राइट होती है, एक्सफोलिएट होगी, डेड सेल रिमूव होंगे, डेड स्किन रिमूव होगी और स्किन से टैन रिमूव होगा। आप अपने हाथों और पाँव पर इसको अच्छे तरीके से जो है वो 5 मिनट के लिए मसाज करें और फिर ठंडे पानी से वॉश कर लें। रिज़ल्ट ऑसम मिलेंगे आपको। वीक में 2 टाइम्स आप ये वाला जेल बना के रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता। ये वाली स्क्रब जो है, ये हाइड्रेटिंग स्क्रब जो है एक्सफोलिएटिंग, ये आप बना के रखें, आपकी स्किन इतनी अच्छी एक्सफोलिएट होगी, डेड सेल रिमूव होंगे। और अगर आप फेस पे यूज़ करें तो 2 मिनट के लिए हल्के हाथों से स्क्रब कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्श नहीं हो जाए, क्योंकि इसमें राइस फ्लोर है। तो आपने इसको इस तरह से लेना है जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, अपने हाथ पे करके थोड़ी सी मिकदार में लेकर सर्कुलर मोशन में अपने हाथों पे स्क्रब करें। अगर ये आपको थोड़ा सा ड्राई लगे तो थोड़ा सा पानी हाथों पे लगा लें, लेकिन ये ड्राई नहीं होगा क्योंकि हमने इसमें जेल यूज़ किया है। तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फ्रेगनेंस आ रही है और बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे आपके हाथ, ब्राइट और वाइट हो जाएंगे। ये बनाकर आप किसी जार में भी रख सकते हैं, 15 दिनों के लिए ख़राब नहीं होगा। और जब आप बाथ लें या आप जो अपने हाथों का मैनीक्योर पेडीक्योर करें या वीक में 2 टाइम्स अपने हाथों और पाँव पर इसका स्क्रब करें, बहुत सॉफ्ट और बहुत ब्राइटन हाथ मिलेंगे। आप लोग मुझसे वीडियोस में पूछते हैं और कमेंट में पूछते हैं, और बहुत सारी मेरी दोस्तें इंस्टा पे जो है वो मुझे मैसेज करके पूछती हैं, डीएम करके पूछती हैं कि आप हाथों पे क्या यूज़ करती हैं। तो यार मैं ये स्क्रब बना लेती हूँ, पहले मैं टमाटर के रस से बनाती थी, लेकिन अब मेरी मुश्किल आसान होगी, मैं जेल से बनाऊँगी। और आज मैं अपने लिए बना रही थी तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। ये मैं यूज़ करती हूँ पर्सनली अपने हाथों के लिए, सो मैंने आपके साथ भी शेयर किया। यहाँ तक जिस जिसको वीडियो पसंद आई है यार, इंसाफ के साथ दिल पे हाथ रख के वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरी सपोर्ट के लिए। अच्छा, जो नेक्स्ट रेमेडी हम बनाने जा रहे हैं, इसमें अगेन हम लेंगे एक बड़ा चम्मच जो है यहाँ पर टमाटो जेल का, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि ये स्मूथ सी क्रीम बन जाए।
जब तक मैं ये मिक्स कर रही हूँ, आप सबसे गुजारिश है कि आप ये यूज़ कीजिएगा, और जो जो यूज़ करेगा ना वो काइंडली आके कमेंट में लाजमी बताएं, ना कि मुझे आप इंस्टा पे डीएम करें, से अच्छा आप यहाँ पे नीचे जो है वो कमेंट करें ताकि दूसरे लोग पढ़ें, उनको भी वो भी सेटिस्फाई हों, वो भी यूज़ करें। तो यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं नेक्स्ट जो है वो सीरम बनाएंगे हम। इस जेल में हम थोड़ा सा लेमन का रस मिलाएंगे जब ये क्रीमी फॉर्म में हो जाएगा, और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो टूनर मैं बना रही हूँ या सीरम बना रही हूँ, ये आपकी स्किन से पिंपल्स को रिमूव करेगा, आपकी स्किन से डार्क स्पॉट्स को रिमूव करेगा। ये अप्लाई करना है आपने, आपने जो है वो रात को सोने से पहले थोड़ा सा कॉटन की मदद से आप जो है वो अपने चेहरे पर इसको मसाज कर लें। सारी मैल कुचैल जो भी हमारे पोर्स में मेकअप रह जाता है, ये बहुत ज़बरदस्त टूनर है, ये मेकअप रिमूवर है। आप इससे अपने जो है वो अपनी स्किन से तमाम तरह का डर्ट रिमूव करके सोएं तो आपकी स्किन बहुत फ्रेश होगी, पिंपल्स भी नहीं होंगे आपको। ये आपके पोर्स क्लीन करेगा। ये आपने कॉटन बड की मदद से अपनी पूरी स्किन जो है वो इससे साफ़ कर लेनी है। ये होगी हमारी सेकंड रेमेडी। सो आई होप कि ये मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा, और मैं इस तरह की रिव्यूज़ और वीडियोस आपके साथ हमेशा शेयर करती रहूँगी। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, और इस तरह की आप चाहे तो इस टमाटो जेल से एक नाइट क्रीम भी बना सकते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा पिंपल्स का इशू है, वो इस जेल में एक जो है वो विटामिन ई का कैप्सूल मिलाकर इसकी क्रीम बनाकर आप किसी जगह स्टोर कर लें, ताकि आपको अगर पिंपल्स वगैरह तो आप बहुत अच्छी नाइट क्रीम बन जाएगी, आप उसको डेली नाइट पर अप्लाई कर सकते हैं जिनको डार्क स्पॉट्स का इशू है। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मैं मिलूंगी आपके साथ फिर इस तरह की मजीद वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए।